आप देख रहे हैं VHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भीषण गर्मी और पावर कट से श्रीनिवासपुरी और कालकाजी के निवासियों को राहत दिलाने के लिए 630 केवीए के दो नए ट्रांसफार्मरों की सौगात दी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से यहां के लोगों को 24/7 लगातार बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। बिजली मंत्री अतिश सिंह ने इस इलाके में स्थापित किए गए 630 केवीए के दो नए ट्रांसफार्मरों का स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उद्घाटन किया। बिजली मंत्री अतिश सिंह ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिजली लोगों की एक मूलभूत आवश्यकता है, इसीलिए 2015 में सरकार में आने के बाद से उनकी सरकार ने दिल्ली के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम किया और आज दिल्ली शायद देश में पहला ऐसा राज्य है जहां लोगों को बिना पावर कट 24/7 देश में सबसे सस्ती और फ्री बिजली मिलती है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कॉलोनी श्रीनिवासपुरी में लगाए गए नए ट्रांसफार्मर भी इस क्षेत्र में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का प्रयास है ताकि बिजली की मांग के बढ़ने के बावजूद भी उनका बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत रहे कि कोई पावर कट ना हो और लोगों को बाधा रहित बिजली मिलती रहे। बिजली मंत्री अतिश सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि नए ट्रांसफार्मर से श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी गांधी कॉलोनी के हज़ारों घरों को बिना किसी बाधा के 24/7 बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा है कि चाहे कितनी बाधा आए लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तब तक दिल्ली वासियों को लगातार 24/7 बिजली मिलती रहेगी। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने से यहाँ के मौजूदा ट्रांसफार्मर पर काफ़ी ज़्यादा लोड था। ऐसे में कई बार लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ता था, जिस पर संज्ञान लेते हुए कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक और बिजली मंत्री अतिशी ने यहाँ नए ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए थे ताकि लोगों को बाधा रहित बिजली लगातार मिलती रहे। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें VHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।